लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे से स्वदेश लौट आए। राहुल गांधी का यह विदेशी दौरा काफी सुर्खियों में रहा। हालांकि राहुल गांधी केवल 3 दिन के लिए अमेरिका गए थे, अब सियासी गलियारों के साथ ही आम लोगों के बीच भी यह चर्चा होने लगी है कि आखिर 3 दिन को छोड़कर बाकी के दिनों में उन्होंने अमेरिका में क्या क्या किया और किन किन लोगों से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर फिर से बड़े सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय के अनुसार राहुल गांधी 6 सितंबर को लंदन में थे और 15 सितंबर तक उन्होंने कुल 10 दिन विदेश में बिताए, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में केवल 5 घंटे ही हिस्सा लिया। अमित मालवीय ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल गांधी अपनी 9वीं विदेश यात्रा के बाद स्वदेश वापस आ गए। वह 6 सितंबर को लंदन के लिए रवाना हुए और 16 सितंबर तक 10 दिन विदेश में बिताए। उन्होंने 9 सितंबर को अपने कार्यक्रमों, टेक्सास विश्वविद्यालय और भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात, कुल मिलाकर 1.5 घंटे, और फिर 10 सितंबर को जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय, भारतीय प्रवासियों, एक प्रेस वार्ता और चुनिंदा अमेरिकी सांसदों के साथ बातचीत, कुल मिलाकर 3.5 घंटे का समय बिताया था। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए लिखा, इन 5 घंटों को छोड़कर कोई नहीं जानता कि भारत के विपक्ष के नेता विदेशी धरती पर क्या कर रहे थे। उदाहरण के लिए 11 से 15 सितंबर के बीच वे कहां थे, उन्होंने किन किन लोगों से मुलाकात की, उनका स्वागत किसने किया। अमित मालवीय ने आखिर में लिखा, यह संदिग्ध गुप्त विदेश यात्राएं कई सवाल खड़े करती है, खासकर तब जब खबरें आ रही है कि उन्होंने संभवतः भारत के हितों के प्रतिकूल विदेशी एजेंसियों और ऑपरेटरों से मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी से उनके पूरे कार्यक्रमों का खुलासा करने की भी मांग की। इससे पहले अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर अमेरिकी सांसद इलहान उमर के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाया था, जिन्हें उन्होंने भारत विरोधी आवाज बताया था। उनकी आलोचना भाजपा द्वारा राहुल गांधी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीतिक गठबंधनों पर सवाल उठाने के चल रहे प्रयासों को और आगे बढ़ाती है, जिसका अर्थ है कि इनका भारत के हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अमित मालवीय की पोस्ट पर कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका की यात्रा पर राहुल गांधी ने भारत में आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने, सिखों समेत कई विषयों पर टिप्पणी की। राहुल गांधी द्वारा दिए गए विवादित बयान से देश की सियासत गर्मा गई थी, जिसकी आग अब तक जारी है। हरियाणा में चुनावी चकलस के बीच अमेरिका में सिख और आरक्षण पर विवादित बयान देकर राहुल गांधी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी। राहुल के आरक्षण वाले बयान पर जहां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, वहीं सिख वाले बयान को लेकर समुदाय से जुड़े संगठन विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में 20% दलित और 5% सिख समुदाय की आबादी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।